हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एएस मेडिको। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपी के बारे में। बात करेंगे जो ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना कि आर्थ्रोस्कोपी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया। जिसका आंसर राइट रहेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। अब हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपी के बारे में। आर्थ्रोस्कोपी क्यों की जाती है, किस कंडीशन में की जाती है, एक बार आर्थ्रोस्कोपी कराने में कितना खर्च बैठता है और सबसे ज़्यादा किस जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो आर्थ्रोस्कोपी के बारे में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आनंद सैनी के नाम से, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थ्रोस्कोपिक मशीन के बारे में। बात करेंगे ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे कनेक्ट होती है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये नॉर्मल आर्थ्रोस्कोपिक मशीन है। ये मशीन एक कंप्यूटर से कनेक्ट होती है और एक कंप्यूटर डेस्कटॉप से कनेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि आर्थ्रोस्कोपिक मशीन के आगे एक बड़ी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस ट्यूब में अंदर क्या होता है कि एक कैमरा लगा होता है, एक लाइट लगी होती है और ये लाइट और कैमरा डॉक्टर कंट्रोल करता है। ट्यूब के पीछे एक कंट्रोलर होता है जिससे एक डॉक्टर क्या करता है कि जब ये कैमरा और ये लाइट जॉइंट के अंदर चल जाती है, कोई सा भी जॉइंट होगा, नी जॉइंट होगा, शोल्डर जॉइंट होगा, इस नी के जॉइंट के अंदर चल जाती है तो डॉक्टर बाहर से ही इस लाइट को और इस कैमरे को अपने हाथों से कंट्रोल करता है और जो जॉइंट की इमेज होती है, जो फोटो होती है, जो डेस्कटॉप पे दिखाई देती है, और डॉक्टर वहाँ से पता कर लेता है कि जॉइंट में कहाँ पे खराबी है, कौन सा लिगामेंट फ्रैक्चर है, कौन सी मसल्स फ्रैक्चर है और जॉइंट के अंदर क्या चल रहा है, पूरी इमेज स्क्रीन पर आ जाती है। इस प्रकार डॉक्टर आर्थ्रोस्कोपी करता है। अब हम बात करेंगे कि डॉक्टर हमें आर्थ्रोस्कोपी करने की सलाह क्यों देता है और किस कंडीशन में हमें आर्थ्रोस्कोपी करनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट है जिसकी एज 40 से ऊपर हो जाती है तो उसमें मोस्टली नी जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो नी जॉइंट के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वह कम हो जाता है और दो बोन आपस में टकराने लगती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। मतलब क्या होता है कि दो बोन आपस में आ जाती है और घर्षण करने लगती है, जिसलिए पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट आज हो जाता है तो 4 या 5 महीने के बाद पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो डॉक्टर उसके लिए भी आर्थ्रोस्कोपी करने की सलाह देता है। या कोई भी ऐसी डिजीज हो जाती है या कोई भी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे डॉक्टर अपनी आँखों से देख के नहीं पता लगा सकता, जैसे एक्सरे पे नहीं पता लगा सकता, बाहर से तो जॉइंट एकदम नॉर्मल दिखाई देता है बट उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर हमें आर्थ्रोस्कोपी की सलाह देता है। अब हम बात करते हैं कि मोस्टली सबसे ज़्यादा किस जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी करते हैं। ऐसे तो हम किसी भी जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी कर सकते हैं, ऐसे दो जॉइंट होते हैं जिसकी आर्थ्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा होती है, एक होता है शोल्डर और एक होता है नी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शोल्डर जॉइंट के बारे में। बात करेंगे शोल्डर जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी कैसे करते हैं, उस कैमरे वाली ट्यूब को अंदर डालने के लिए कहाँ पर चीरा लगाता है डॉक्टर, इसके बारे में हम बात करेंगे। शोल्डर जॉइंट होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसकी आर्थ्रोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का चीरा आगे की ओर लगाता है, 1 सेंटीमीटर का चीरा पीछे की ओर लगाता है। तो इसमें क्या करता है कि डॉक्टर इसमें जो कैमरे वाली ट्यूब होती है जो इसमें डालता है और उसको ऑन करके इसकी पूरी इमेज, जो शोल्डर की पूरी इमेज पूरी डेस्कटॉप पे बन जाती है। अब डॉक्टर सबसे पहले उसमें क्या चेक करता है कि उसमें सबसे पहले चेक करता है कोई लिगामेंट फ्रैक्चर नहीं हुआ, बोन आपस में तो नहीं रगड़ खा रही, फ्रोजन शोल्डर तो नहीं होगा, ये पूरी डिटेल डॉक्टर स्क्रीन के माध्यम से देखता है, पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाती है। यदि उस पर कोई कमी आ जाती है, मतलब कोई लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया या बोन आपस में टकराने लग गई, तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है, आर्थ्रोप्लास्टी करता है। दूसरा जॉइंट है नी, घुटनों वाला सबसे ज़्यादा कब होता है कि जिसकी 40 के ज़्यादा एज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें एज होने के बाद दो बोन आपस में रगड़ खाती है तो रगड़ खाने पर क्या होता है कि इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नी जॉइंट के पास नर्व सिस्टम भी होता है, छोटी छोटी नर्व होती है तो उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम भयंकर वाला नी में दर्द होता है। जो लोग स्पोर्ट में रनिंग करते हैं तो उनमें जो लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है, जो लिगामेंट होता है टूट जाता है, जो लिगामेंट के अंदर जो जॉइंट के अंदर जो जॉइंट के अंदर मेनिकस होता है, लिक्विड होता है, वे रप्चर हो जाता है, एकदम बेकार हो जाता है। उस कंडीशन में आर्थ्रोस्कोपी करने के लिए डॉक्टर एक तो लेटर साइड में चीरा लगाता है 1 सेंटीमीटर का, एक मिडल साइड में चीरा लगाता है और एक जो पटेला होता है इसके ऊपर चीरा लगाता है। तो इसमें वे कैमरे वाली ट्यूब डालता है डॉक्टर और देखता है कि कहाँ पे जॉइंट में खराबी है।
जहाँ पे खराबी आती है डॉक्टर वहाँ पे सर्जरी करता है, उसको उठाता है। तो इस प्रकार हम आर्थोस्कोपी करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।